नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम 100। ब्राजील ने कोवैक्सीन के लिए करार किया निलंबित, भारत बायोटेक ने जारी किया बयान। कर्नाटक के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, हायर एजुकेशन के सभी छात्रों को 10 दिन के अंदर लगा दी जाएगी कोविड वैक्सीन। भारत में ट्विटर की बड़ी मुश्किलें, कंपनी के खिलाफ 3 नए मामले हुए दर्ज, अमेरिका से बढ़ सकता है तनाव। जम्मू में कालूचल और कुंजवनी में दिखे 3 और ड्रोन, एम्बुलेंस एयरबेस पर लगाया गया एंटी ड्रोन सिस्टम और जैमर। संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक व गूगल को तलब कर दिए नए आईटी नियम मानने के निर्देश, अगले सप्ताह यूट्यूब व अन्य इंटरनेट मीडिया की होगी पेशी। मतांतरण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख बेहद सख्त, बोले एक एक बिंदु की हो जांच, एनएसए के तहत कार्रवाई करने के साथ संपत्ति पर कब्जा करने के दिए आदेश। ड्रोन हमले के बाद पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए जल्द आएगी नई नीति, मीटिंग में कई पहलुओं पर हुई चर्चा। तालिबान से भारत के संपर्क की अटकलें तेज, विदेश मंत्रालय ने जयशंकर की मुलाकात की बात को बताया तथ्यहीन। कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों के मामले में पीएम से माफी मांगने को कहा, श्रम मंत्री को तत्काल बर्खास्त की भी उठाई मांग। पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग से पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने किया किनारा, बेग ने जम्मू कश्मीर में सर्वदलीय बैठक में खुद को बताया था आम कश्मीरी का प्रतिनिधि। दिल्ली में नए कमिश्नर होंगे सीनियर आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव, बुधवार को संभालेंगे पदभार। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड की 17वीं किस्त को मंजूरी, राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए की गई ये व्यवस्था, 1 जुलाई से शुरू होगी बिक्री। बंगाल में हिंसा के डर से घर छोड़ भागे थे बीजेपी समर्थक, वापस आने के लिए समर्थकों को टीएमसी को देने पड़ रहे पैसे, बीजेपी समर्थकों ने लगाए आरोप। लद्दाख से दिल्ली लौटे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हिमाचल में एलएसी के फ्रंट पर पहुंचे सीडीएस बिपिन रावत। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सभी 8.5 लाख राज्य कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। बुलंदशहर में पीओएस मशीन को हाथों में लेकर राशन वितरकों ने किया प्रदर्शन, राशन वितरकों ने इसको लेकर मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। हमीरपुर में बालू माफियाओं और ट्रक ऑपरेटर्स की देखी गुंडाई, सेल टैक्स अधिकारी की गाड़ी में टक्कर ने ट्रक ने मारी टक्कर। लखनऊ के अजरतगंज में सिपाही भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शन में अजय कुमार लल्लू रहे मौजूद। रायबरेली जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था हुई बदहाल, इलाज के अभाव में गर्भवती महिला की हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। रामपुर से दहेज का मामला आया सामने, बारदात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा, शादी के दिन की बोलेरो कार की डिमांड, निकाह के दिन दूल्हा हुआ फरार।
सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कुछ दिनों पहले सहकारी बैंक में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लूट में शामिल 8 बदमाशों को एक मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 82,000 रुपए और अवैध असलहों सहित एक कार बरामद। शाहजहांपुर में सपा प्रत्याशी दलबल के साथ भाजपा में हुए शामिल। उनके साथ कई कद्दावर सपा पदाधिकारी भाजपा में हुए शामिल। सहारनपुर में गठबंधन प्रत्याशी जॉनी ने नामांकन लिया वापस। बीजेपी से मांगे राम चौधरी बने जिला पंचायत अध्यक्ष। औरैया में नाबालिग कर रहे सफाई कर्मी का काम, सख्त नियम के बाद भी नाबालिग कर रहे काम, जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। शाहजहांपुर में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष का बनना हुआ तय। सत्य सपा प्रत्याशी बीनू सिंह भाजपा में हुए शामिल। मायावती के ट्वीट पर मंत्री नंद गोपाल नंदी ने किया पलटवार। मायावती की राजनीतिक जमीन हो चुकी है तितर बितर, इसलिए दे रही है उल्टे सीधे बयान। शाहजहांपुर में पुलिस चला रही चेकिंग अभियान। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार। पिछले दिनों युवक ने बुजुर्ग की पत्थर से कुचलकर की थी हत्या। राजधानी लखनऊ में अपराधियों के हौसले हुए बुलंद। आरोपी बजरंग रावत ने सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ बीजेपी ऑफिस का किया घेराव। सहारनपुर में निर्विरोध हुए निर्वाचित भाजपा प्रत्याशी। निर्वाचित अध्यक्ष का मिलेगा प्रमाण पत्र। चुनाव जीतने पर भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर दी बधाई। कानपुर देहात में दहेज लोभियों की शर्मनाक हरकत। गर्भवती विवाहिता के साथ की गई मारपीट। मारपीट में विवाहिता महिला का हुआ गर्भपात। जौनपुर में नहर किनारे बरामद हुआ युवती का शव। ग्रामीणों ने दुष्कर्म कर हत्या करने की जताई आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास को 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने घेरा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जमकर किया प्रदर्शन और नारेबाजी। सुल्तानपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। महिला ने एक दूसरी बीमार महिला को घर में किया बंद। मौके से आरोपी महिला हुई फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में फ्लाईओवर से नीचे गिरी तेज रफ्तार बाइक। हादसे में युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में शहीद कौशल रावत की पत्नी ममता रावत का बयान। मदद की गुहार लगाने के बाद भी नहीं हुई कोई सुनवाई। पुलवामा हमले में शहीद हुए थे कौशल रावत। 24 जून को वीडियो हुआ था वायरल। अलीगढ़ में 3 अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने अस्पतालों को किया सीज। ग्रामीणों ने जताया कड़ा विरोध। मैनपुरी में रामचंद्र शर्मा ने दिखाई अनोखी प्रतिभा। हारमोनियम बनाकर उसमें फिट किया क्याशियो। इस वाद्य यंत्र से 199 प्रकार की निकलती है आवाज। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुछ दिनों पहले आपसी विवाद में हुई हत्या के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के पास से लाइसेंसी पिस्टल भी हुई बरामद। मैनपुरी में पुलिस और एसटीएस की टीम लगातार नशे के खिलाफ चला रही है अभियान। मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा किया बरामद। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में स्कूल बस में मिला 5 दिन पुराना युवक का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी घटना की जानकारी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
शाहजहांपुर में पुलिस व कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने नकली कीटनाशक दवाइयों की फैक्ट्री पर की छापेमारी। नकली खाद, केमिकल और कई उपकरण भी किए बरामद। आरोपियों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बुजुर्ग का शव। घटना से पूरे इलाके में फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र में डीएम ने की धान की रोपाई। मौके पर जिला कृषि अधिकारी और नायब तहसीलदार के साथ अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। रुड़की में ईंट भट्टा मालिक को मारी गई गोली। जमीन विवाद को लेकर युवक ने मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चमोली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चौथा चरण शुरू। 30 नवंबर तक दिया जाएगा अतिरिक्त राशन। गरीब परिवारों को मिलेगा रोजाना लाभ। चमोली में लैंडस्लाइड को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने डीएम को दिया ज्ञापन। मंत्री ने मामले में जल्द कार्रवाई करने की उठाई मांग। प्रदर्शन की भी दी धमकी। चमोली जिले के जोशीमठ स्थित प्रसिद्ध हाथी पर्वत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे की ओर गिरा। मौके पर मौजूद लोगों में मची अफरा तफरी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय प्रशासन ने पहुंचकर मलबे को रास्ते से हटाया। जोशीमठ में चला संतोपंत स्वर्गा रोहिणी साइकिल अभियान। सोमेश्वर पवार तय करेंगे 30 किलोमीटर की दूरी। संतोपंत सरोवर तक पहुंचकर संपूर्ण विश्व को कोरोना से निजात दिलाने की करेंगे प्रार्थना। लक्सर में युवक ने दरोगा को जड़ा थप्पड़। पूर्व विधायक का बेटा है आरोपी युवक। पुलिस ने आरोपी युवक को भेजा जेल। लालकुआ में कालोनी वासियों ने किया प्रदर्शन। रेलवे विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रेलवे विभाग पर लगाया मनमानी करने का आरोप। मसूरी में पर्यटक उड़ा रहे कोरोना नियमों की धज्जियां। कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद पर्यटकों की उमड़ी भीड़। पौड़ी में हुआ जन जागरूकता रैली का आयोजन। पुलिस चला रही ड्रग्स जागरूकता सप्ताह। लोगों को नशे से बचाने के लिए चला रही है मुहिम। पौड़ी में डीएम ने सेल्फी पॉइंट का किया शुभारंभ। ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने को लेकर की गई इसकी शुरुआत। सेल्फी पॉइंट के जरिए खिलाड़ियों को लोग भेज रहे शुभकामनाएं संदेश। एचआरडीए ने लोगों को दी सौगात। नक्शा पास कराने पर मिलेगी भारी छूट। सितंबर तक जारी रहेगी ये छूट। अल्मोड़ा में प्रसिद्ध मंदिर में सुविधाओं का सूखा। चितई बाजार में लोगों के लिए नहीं है शौचालय की व्यवस्था। देश विदेश से आते हैं यहां पर्यटक। देहरादून में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पुल। 5 महीने के अंदर जर्जर हुआ पुल की हालत। जोरों शोरों से किया गया था पुल का उद्घाटन। कलियर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। बाल बाल बच्चा बाइक सवार सड़क पर बने गड्ढे दे रहे मौत को दावत। उत्तराखंड में गर्मी से लोगों को मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने भारी बारिश का किया अलर्ट जारी। पौड़ी में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए बैठक। डीएम ने बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। देहरादून रामनगर में हुई हत्या के मामले में आरोपियों की पुलिस की लगातार कर रही तलाश। पुलिस को बीते दिनों मिला था अज्ञात का शव। चमोली मोड़ में भाजपा नैनीताल में महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने ली बैठक।
हरीश प्रीतम में शहमात के खेल में उलझी नियुक्तियां, नेता प्रतिपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष की नहीं हो पाई घोषणा। आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर बढ़ती जा रही है लापरवाही, एक की नेगेटिव रिपोर्ट से वाहन सवार सभी यात्रियों की मसूरी में एंट्री। वसंत विहार और प्रेमनगर थाना पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार, 27.5 ग्राम स्मैक किया बरामद। पाकिस्तान में इंटरनेट कंपनियों ने एक बार फिर सरकार के संशोधित सोशल नियमों के खिलाफ किया विरोध। अमेरिका में सैंपलिंग बी प्रतियोगिता के 11 फाइनलिस्ट में भारतीय मूल के 9 लोग हुए चयनित, देश को बढ़ा रहे गौरव। तीन माह के अंदर ही चाइनीज ऐप टिकटॉक पाकिस्तान में फिर बंद, कोर्ट ने दिया सस्पेंड करने का आदेश। गृहमंत्री शेख राशिद ने खोली पाकिस्तान की पोल, बताया इस्लामाबाद में रहते हैं तालिबानी परिवार। हांगकांग ने ब्रिटेन की उड़ानों पर फिर लगाया प्रतिबंध, डेल्टा कोरोना वायरस मामलों में लगातार वृद्धि। ईयू के ग्रीन पास में शामिल हो सकती है कोविशील्ड वैक्सीन, भारत के फुल सपोर्ट में आया ये देश। इंग्लैंड के प्लाईमाउथ में चौंकाने वाला मामला सामने आया, एक शख्स को घर के अंदर 17 फीट गहरा कुआं मिला, खुदाई में कुएं के अंदर से सदियों पुरानी तलवार, सिक्के और निकली अंगूठी। ब्रिटेन में उपचुनाव के दौरान लेबर पार्टी की प्रचार सामग्री पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होने पर हुआ हंगामा। यूरोपीय यूनियन ने भी दिया पाकिस्तान को झटका, कहा एफएटीएफ के निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी। पाकिस्तान के लाहौर में बरकत पार्टी मार्केट में गैस सिलेंडरों में हुआ धमाका, कई दुकानें हुई जलकर खाक। इटली में काफी व्यस्त नजर आए जयशंकर, G20 से इतर कई देशों के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री बरनबी जॉयस पर लगा $200 का जुर्माना, पेट्रोल भराने के दौरान नहीं पहना था मास्क। यूके में डेल्टा प्लस के बीच कोरोना के लैम्बडा वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य संगठनों ने किया अलर्ट। अमेरिका में टूटा गर्मी का 80 साल का रिकॉर्ड, रोकने पड़े ओलंपिक क्वालिफाइंग गेम्स। भारत को 4.1 करोड़ डॉलर की मदद देगा अमेरिका, कोरोना को खत्म करने में मिलेगी मदद। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पहने हुए कपड़े बेचेंगी अनुष्का शर्मा, पानी बचाने के लिए लिया फैसला। पीएम मोदी, रजनीकांत और अक्षय कुमार के बाद रणवीर सिंह भी करेंगे बेयर ग्रिल्स के साथ काम। करण जौहर जलियांवाला बाग नरसंहार पर लेकर आ रहे फिल्म, आलिया भट्ट ने अपनी अगली फिल्म ड्रॉलिंग्स की तैयारी की शुरू।
ब्रह्मास का 350 का, आदि पुरुष का 180 करोड़ का हुआ इंश्योरेंस। कोरोना ने बढ़ाया फिल्मों और वेब सीरीज के इंश्योरेंस का ट्रेंड। YouTube पर ट्रेंड हो रहा रेणुका पवार का 64 पैड़ी की हेली, ताबड़तोड़ वायरल हुआ रेणुका का ये गाना। टैक्स विवाद में भारत सरकार को एक और झटका, केरन एनर्जी के बाद देवास मल्टीमीडिया ने भी उठाई आवाज। एशिया के सबसे लंबे टेस्टिंग ट्रैक की हुई शुरुआत, नेटवर्क्स कंपनी ने वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग ट्रैक को किया तैयार, वाहनों और उनके पार्ट्स की चेक हो सकेगी खराबी। भारत सरकार ने लागू की नई योजना, वाहनों में एथेनॉल आधारित फ्लेक्स इंजन की देगा अनुमति, 30-35 रुपए प्रति लीटर की होगी बचत। टाटा मोटर्स का मेगा प्लान, 4 साल के अंदर लाएगी 10 नई इलेक्ट्रिक कार, अभी नेक्सन ईवी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार। आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने पर 4 सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना। जोमैटो ने ग्रोफर्स में किया $12 करोड़ का निवेश, फूड डिलीवरी कंपनी जल्द लेकर आएगी आईपीओ। जुलाई से भारत सरकार करेगी 10 बड़े बदलाव, बैंकिंग सेवाओं से लेकर कारें होंगी महंगी। गौतम अडानी को फिर झटका, दुनिया की अमीरों की लिस्ट में 2 पायदान खिसके, शेयरों की पिटाई से घटी दौलत। विंबलडन में सेरेना का सफर हुआ समाप्त, 7 बार की विजेता सेरेना चोट की वजह से दूसरे राउंड में हुई बाहर, बाटी बारबोरा और मेदवेदेव जेवेरेव दूसरे दौर में पहुंचे। यूक्रेन ने स्वीडन को 2-1 से हराकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा, आर्टेम डोवबिक ने यूक्रेन के लिए किया अपना पहला गोल। सिर्फ 2 बल्लेबाजों के साथ वनडे मैच खेलने के लिए मजबूर हुई श्रीलंकाई टीम, मैच में मिली श्रीलंका को करारी हार। ओलंपिक में केरल के लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर लॉन्ग जंप इवेंट में भारत को करेंगे रिप्रेजेंट, तोड़ चुके हैं कई नेशनल रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज बराबर करने उतरेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। इंग्लैंड में श्रीलंकाई क्रिकेटर्स ने तोड़ा बायो बबल, बोर्ड ने इन खिलाड़ियों को वर्तमान इंग्लैंड दौरे से तुरंत श्रीलंका लौटने का जारी किया फरमान। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के साथ होगा दूसरी डब्ल्यूटीसी का आगाज, दूसरी डब्ल्यूटीसी में इंग्लैंड सबसे ज्यादा खेलेगा टेस्ट मैच। प्राइम 100 में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।